नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुबोध कुमार एक बार फिर न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एनाडोल क्या होता है, इसका सॉल्ट क्या है, ये किस बीमारी में दिया जाता है, ये इसका कंपोजिशन क्या है, और ये मार्केट में अगर आप खरीदते हैं तो किस नाम से मिलेगा, और इसका यूज क्या है, ये किस बीमारी में दिया जाता है। दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में बताएंगे। इसके लिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर किसी भी बीमारी की या कोई मेडिसिन की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस तरह की वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे एनाडोल ब्रांड के बारे में। दोस्तों, एनाडोल एक ऐसा ब्रांड है जो इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक पाउडर होता है, जिसमें जो है डेक्सोस मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, और सबसे बड़ी बात है क्रिटेन और साइनकोबलामिन भी ऐड है। ये 100 ग्राम का पाउच है, और जो है इसको जो है बनाया है DRPL कंपनी ने, जो डॉलनीवा रेमेडीज OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और दोस्तों, इसकी MRP जो है ₹80 है। और इसको दोस्तों, इसका कंपोजिशन जो हमने दिया है, इसमें जो है डेक्सोस है 90 ग्राम, जिंक है सल्फेट 60 मिलीग्राम, और मैग्नीशियम है 10 मिलीग्राम, मैंगनीज है इसमें 100 mcg, कैल्शियम 85 mg, और फास्फोरस विटामिन सी है 100 mg, विटामिन D3 जो है 300 IU, और जो है विटामिन B1 है 2 mg, विटामिन B2 है 1.5 mg, विटामिन B6 है 2 mg, एन साइट्रेट एसिड है 1 mg, और सबसे बड़ी बात जो है क्रिटेन 1000 mg जो आता है, और साइनकोबलामिन 7 mcd है। दोस्तों, इसमें जो है कंपोजिशन जो दिया है वो क्रिटेन सबसे मेन चीज़ है, जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। दोस्तों, ये किसी भी बीमारी में दे सकते हैं, जैसे जनरल वीकनेस है, या फिर कमजोरी है, चक्कर है, घबराहट है, लूज मोशन है, या फिर जो है दस्त हो जाते हैं उसमें भी दे सकते हैं। इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जो है ऑरेंज फ्लेवर में आता है। और दोस्तों, 1 गिलास में अगर डाला जाए तो 3 चम्मच डाल के पी सकते हैं। इसका ऐसा फ्लेवर है जैसे फ्रेंटा आप पीते हैं, फ्रेंटा जो कोल्ड ड्रिंक आती है, उसी तरह का सेम टेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, ये जो है और भी कंपनियां बनाती हैं, इसमें जो है जैसे एनाडोल आता है, एनर्जेल आता है, फास्टोफेरेस भी आता है, कई सारी कंपनियां बनाती हैं, इलेक्ट्रॉल भी आता है, इलेक्ट्रॉल एक अलग हो गया कंपोजिशन। ये दोस्तों इस प्रकार की पाउच निकलेगा, और पाउच को जो है आप जो है काटेंगे, काटने के बाद इसको जो है गिलास में डालेंगे, और गिलास में डालने के बाद जो है इसको घोल मिला के पीना है। दोस्तों, दिन में जो है कम से कम जो है इसको 3 बार पी सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो जो है 4-5 बार पी सकते हैं। और दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि ये डेली पीना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा, और हमारे जो है फिजिशियन जो है वो भी सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, और जो है डेली यूज नहीं करें, मैक्सिमम वीक में जो है 2 दिन या 3 दिन यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें लिखा भी होता है कि आप जो है 4 टाइम्स ले सकते हैं, जो है इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, यानी कि 1 हफ्ते में 4 बार ले सकते हैं, 4 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आप अगर ऐसी हैबिट डालते हैं कि डेली पीना है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरह की अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको जो है इस तरह की वीडियो हम डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।